चैप्टर नंबर थर्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। आपको पता है कि कोई फंक्शन होता है अगर आपको पता है कि एफ एक्स एक कोई फंक्शन है, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपको पता है कि ये फंक्शन है किसका, एक्स का, तब इसका डिफरेंशिएशन, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा किसका, इट्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला मैंने, एक्स। तो इसका मतलब होता है d by dx fx, और d by dx fx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। और आपको पता है इसका आंसर क्या आता है, f(x) आता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। इसको पढ़ते कैसे, मैं ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये आप लोगों को याद रखना है कि दिस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे पढ़ोगे, इसको इंटीग्रेशन, इसको पढ़ोगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। ये आप लोग ऐसे करोगे तो इसका आंसर जो आएगा बेटा f(x+c) आएगा। मतलब देखो डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब आपको याद है कि इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये आंसर आया, तो डेरिवेटिव का आंसर जो रहेगा वो इंटीग्रेशन का क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, और डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन रहेगा वो इंटीग्रेशन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको f(x) मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको f(x) मिलेगा। अब f(x), अब ये प्लस c क्यों आया, क्योंकि f(x) किसका किसका डिफरेंशिएशन है, f(x+1) का भी है, f(x+2) का भी है, f(x+c) का भी है। जनरल में अगर बात करोगे, अगर इन सब का डिफरेंशिएशन करोगे तो इन सब का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, इन सब का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको आंसर क्या आएगा, f(x) आएगा। क्यों, क्योंकि f(x) का डेरिवेटिव f(x) होगा, कांस्टेंट का जीरो होगा, f(x) का f(x) होगा, कांस्टेंट का जीरो होगा, f(x) का f(x) होगा, c का क्या होगा, जीरो होगा। मतलब मैं इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये टर्म 100% आएगी, f(x) का डेरिवेटिव f(x) और c का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक बात याद रखना, आप जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो वो फंक्शन किसका डेरिवेटिव है वो चेक करना है। तो f(x) किसका डिफरेंशिएशन है, f(x+c) का डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन करते तो हमको f(x) मिलता है। अब मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, तो फार्मूले बताने वाला हूँ। एक तरफ क्या रहेंगे, इंटीग्रेशन के फार्मूले रहेंगे, एक तरफ क्या रहेंगे, डिफरेंशिएशन के फार्मूले रहेंगे, ताकि आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव है, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले पता है तो इंटीग्रेशन के भी फार्मूले आपको पता हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूले। हाँ, तो अपन एक तरफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x देखेंगे, एक तरफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x देखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ डेरिवेटिव के फार्मूले देखेंगे, एक तरफ इंटीग्रेशन के फार्मूले देखेंगे। तो ये अपन पहले अरिथमेटिक की बात करेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक में कांस्टेंट क्या आता है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट चेंज नहीं होता, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसको पढ़ोगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, और कांस्टेंट अकेला रहा तो जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट के साथ में अगर एक्स की टर्म है तो कांस्टेंट कॉमन निकलता है, और एक्स का कितना होता है, वन होता है, x का कितना होता है, 1, और प्लस सी तो आने वाला सॉरी इसमें प्लस सी आएगा, तो कांस्टेंट कॉमन निकलेगा, x का 1 होगा, मतलब तो k आएगा, कोई दिक्कत। तो डेरिवेटिव में आप लोगों को याद रखना है कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x जीरो नहीं होता। तो ये किसका डेरिवेटिव है चेक करो, तो k किसका डेरिवेटिव है, k किसका डेरिवेटिव है, kx का है, तो इसका आंसर क्या आएगा, kx, पर साथ में प्लस सी तो आएगा, और गारंटी है बेटा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे k कॉमन, x का 1, कांस्टेंट का 0, आंसर इज k, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव ये होगा गारंटी के साथ। तो बस अब आपको याद करना है कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट का 0, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का kx। फिर से रिपीट करो, इसमें डेरिवेटिव में कांस्टेंट का 0, और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का kx, क्योंकि k किसका डेरिवेटिव है, kx का डेरिवेटिव है, और प्लस c तो आएगा ही आएगा, याद रखना आज के बाद। ठीक है, तो अगर एग्जांपल में मैं 5x का डेरिवेटिव 5 का इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, 5x+c, अगर 7 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 7x+c, अगर 8 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 8x+c। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट की बात, इसमें ये पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, इसमें पहला और ये दूसरा फार्मूला हो गया, ये पहले दूसरे में दे लो। ठीक है, अब बात करूंगा इसमें सेकंड फार्मूले की तरफ, फोकस करो, x की पावर n,
तो डेरिवेटिव में x की पावर n का क्या होता है, तो पावर में एक, पावर आगे पावर से एक कम, ये फॉर्मूले याद रखो कि पावर आगे पावर से एक कम। अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 15 का लो, 15 आगे आएगा x की पावर 14, तो पावर आगे पावर से एक कम, पावर आगे पावर से एक कम डिफरेंशिएशन में। और इंटीग्रेशन में बेटा, इंटीग्रेशन में अगर आप लोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर आगे नहीं आता, पावर में एक ज्यादा हो जाता है, यहाँ पावर में एक कम, यहाँ पावर में एक ज्यादा, n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, n प्लस वन अपॉन में x, n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और प्लस c। एग्जांपल के तौर पे देख लो आप, x की पावर अगर 15 का करना है तो x की पावर 16 होगा बेटा, और अपॉन में कितना होगा 16 प्लस c। तो यहाँ एक ज्यादा होता है, यहाँ एक कम होता है, यहाँ पावर आगे आता है पावर से एक कम होता है, x की पावर 15 का 15 आगे x की पावर 14, लेकिन यहाँ पे x की पावर 15 का क्या होगा, x की पावर 16 अपॉन में 16। अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव करोगे तो गारंटी है कि आएगा, आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो गारंटी है कि x की पावर 15 आएगा। करके देख लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय 16 कॉमन निकलेगा, क्योंकि कांस्टेंट अकेला ना तो जीरो होता है, कांस्टेंट के साथ में x का तो कांस्टेंट कॉमन निकलता है, तो यहाँ कांस्टेंट कौन है, 1 बाय 16 है, 1 बाय 16 कॉमन निकलेगा तो पावर, इसका डिफरेंशिएशन होगा, पावर आगे आएगा, पावर से कम और कांस्टेंट का जीरो, 16 से 16 कट गया, x का पावर 15 आ गया। मतलब इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो ये आएगा और इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये आएगा। तो ये दुनिया भर का मत याद रखो, सिंपल सी एक फंडा याद रखो कि वहां पे x की पावर n का पावर आगे पावर से कम, यहाँ x की पावर n का x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, अपॉन अपॉन फोकस करना, अपॉन अपॉन, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। अब यहाँ पे और एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको कि डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x की पावर n रहेगा तो क्या होगा, ये तो x की पावर n वाला हो गया, पावर आगे पावर से कम, लेकिन अगर 1 बाय x की पावर n है तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस n x की पावर n प्लस 1, 1 बाय के फॉर्म में रहेगा तो ये बढ़ेगा, तो माइनस n x की पावर n प्लस 1, ये फॉर्मूला रट लो, माइनस n नेगेटिव n अपॉन में x की पावर n प्लस 1। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है 1 बाय x की पावर 15 का, तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव 15 x का पावर 16, डन। और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में देखो फॉर्मूला क्या है, 1 बाय x की पावर n है विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ निगेटिव n आता है, यहाँ निगेटिव n नहीं आता, निगेटिव 1 और एक कम, n से एक कम, n x की पावर n माइनस 1, ये फार्मूला है, और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। फिर से रिपीट करो, माइनस 1 n से एक कम, x की पावर n से एक कम, यहाँ पे क्या होता है बताओ, माइनस n x की पावर में बढ़ता है, यहाँ पे x की पावर में घट रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, इंटीग्रेशन 1 बाई x की पावर 15 ले लूँ, इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव 1, 15 से एक कम, 14, x की पावर 14, और प्लस सी तो आने वाला है, और तब इसका इंटीग्रेशन आप लोग करोगे तो सॉरी इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा पक्का पक्का पक्का, लिख के देता हूँ मैं, आएगा, आप करके देख लेना। तो आई होप आपको ये अरिथमेटिक फार्मूला आपको समझ में आए होंगे। तो अरिथमेटिक फार्मूले बस कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं के एक्स, यहाँ पे फाइव का इंटीग्रेशन जीरो, यहाँ फाइव का इंटीग्रेशन फाइव एक्स प्लस सी, याद रहेगा, वहाँ एक्स की पावर एन का पावर आगे पावर से कम, एक्स की पावर एन माइनस वन, यहाँ पे पावर आगे नहीं आएगा, पावर आगे नहीं आएगा, वन बाय एक्स सॉरी एक्स की पावर एन का करना है तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये बता दिया मैंने, यहाँ पे x की पावर n का पावर आगे x की पावर n माइनस वन, यहाँ x की पावर n का x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। जैसे कि x की पावर 15 का करना है तो 15 आगे x की पावर 14 कम होगा, लेकिन यहाँ पे अगर x की पावर 15 का करना है तो x की पावर 16 अपॉन में 16, और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ 1 बाय x की पावर n का नेगेटिव n अपॉन में x की पावर n प्लस वन, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव 1 n से कम, x की पावर n से कम, अगर 1 बाय x की पावर 15 का करना है, नेगेटिव 1, 15 से कम, 14, x की पावर 14। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। अब बात करेंगे टाइप बी की, ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है। तो बताओ, आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री में पूरे 6 फंक्शन होते हैं, तो आपको पता है डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का, डिफरेंशिएशन सेक एक्स का, डिफरेंशिएशन कोसेक एक्स का, और डिफरेंशिएशन टैन एक्स का, और लास्ट डिफरेंशिएशन किसका, कॉटेक्स का। ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि साइन और कॉस का सिंगल सिंगल, सेक और कोसेक का प्रोडक्ट में, टैन और कॉट का स्क्वायर स्क्वायर में आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइन का सिंगल, कॉस का सिंगल, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट में, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये स्क्वायर स्क्वायर में। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन एक्स, ये सिंगल सिंगल।
साइन का कॉस, कॉस का नेगेटिव साइन, सेक का क्या होता है तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टैन एक्स सॉरी यहाँ प्लस सी नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएशन की बात चल रही है तो सेक इंटू टैन, क्योंकि सेक का रिलेशन टैन के साथ में होता है और कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ में होता है, तो नेगेटिव कोसेक एक्स इंटू क्या होगा कॉट एक्स, ये बात याद रखना। टैन का क्या होगा सेक स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर बोला था ये, और कॉट का नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट प्रोडक्ट स्क्वायर स्क्वायर, तो टैन का रिलेशन सेक के साथ में तो सेक स्क्वायर होगा, कॉट का कोसेक स्क्वायर होगा। बस आपको मैं जो स्टार कर रहा हूँ इनके तरफ फोकस करना, ये और ये इनको मैं स्टार कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ध्यान दो अच्छे से। तो अब आपको याद रखना है कि साइन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव कॉस, लेकिन आप लोग अगर साइन का इंटीग्रेशन करोगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स करोगे तो आंसर निगेटिव कॉस होता है। अब ऐसा क्यों होता है, आप इसका डेरिवेटिव कर लो ये आएगा पक्का, आप इसका डेरिवेटिव करोगे निगेटिव कॉमन, कॉस का निगेटिव साइन एक्स और कॉन्स्टेंट का जीरो, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि रूल ऐसा है कि इसका डेरिवेटिव करो तो ये आना चाहिए। तो साइन किसका डेरिवेटिव है, तो साइन किसका डेरिवेटिव है, साइन तो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, नेगेटिव साइन किसका डेरिवेटिव कॉस का, तो पॉजिटिव साइन किसका डेरिवेटिव होगा नेगेटिव कॉस का, ये साइन जो होता है नेगेटिव कॉस का डेरिवेटिव है, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन होता है, तो पॉजिटिव साइन किसका डेरिवेटिव होगा नेगेटिव कॉस का डेरिवेटिव होगा, याद रखना। अगर मुझे साइन का डेरिवेटिव साइन का इंटीग्रेशन निकालना है तो साइन किसका डिफरेंशिएशन है वो पता करना, तो आपको पता है नेगेटिव साइन कॉस का डेरिवेटिव है, लेकिन मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए, पॉजिटिव साइन किसका डेरिवेटिव होगा नेगेटिव कॉस का होगा, तो याद रखना। अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो याद रखना, अभी दुनिया भर की बातें भूल जाओ, बस आपको इतना से याद रखना है कि भैया साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कॉस आएगा पॉजिटिव में, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन करोगे तो पॉजिटिव कॉस नहीं आएगा, क्या आएगा नेगेटिव कॉस आएगा। हाँ, अब यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन करोगे, पहला फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव साइन एक्स प्लस सी, यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आएगा और कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो कंफ्यूजन मत रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ना कि भैया साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन नेगेटिव साइन, कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन, बस इतनी सी बात याद रखना। और एक बात, सेक का इंटीग्रेशन है, कोसेक का इंटीग्रेशन भी है, टैन का भी इंटीग्रेशन है, लेकिन कॉट का भी इंटीग्रेशन है, लेकिन ये हमको आगे पढ़ना है। अभी फिलहाल के लिए याद रखना कि टैन सेक का इंटीग्रेशन नहीं है, तो सेक का इंटीग्रेशन नहीं है तो किसका है, सेक इंटू टैन का है, तो सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन आपके पास है, आप लोग याद करना। सेक का इंटीग्रेशन फिलहाल के लिए नहीं है तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टैन होता है, तो सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेक इंटू टैन किसका इंटीग्रेशन है, सेक इंटू टैन किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का डेरिवेटिव है, तो सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी होगा, ये बात याद रखना। उसी तरह फोर्थ, कोसेक का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता तो कोसेक का डेरिवेटिव देखो, कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक इंटू कॉट, तो कोसेक का कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन होगा नेगेटिव कोसेक एक्स, ये अच्छे से याद करना बिल्कुल। टैन का इंटीग्रेशन फिलहाल के लिए नहीं है तो टैन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपके पास है, तो सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है टैन एक्स का डेरिवेटिव, बस ये किसका डेरिवेटिव चेक कर लो, सेक स्क्वायर टैन एक्स का, ठीक है। और अब कोसेक स्क्वायर किसका है, तो नेगेटिव कोसेक स्क्वायर कॉट का है, तो पॉजिटिव कोसेक स्क्वायर किसका होगा नेगेटिव कॉट का होगा प्लस सी। आई होप आपको समझ रहा होगा, आई होप आपको समझ रहा होगा। तो याद रखना इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को कंपेयर कर करके पढ़ना कि साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉस, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन, और कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। फिर मैंने बोला सेक का इंटीग्रेशन नहीं है, तो सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक इंटू टैन, तो सेक इंटू टैन का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा, कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन नेगेटिव कोसेक होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन होगा, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉट होगा, ये अच्छे से याद रखना है। ये थे कौन से फार्मूले, बोलो 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 बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक थे, ठीक है, ओके हाँ ओके। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल और इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोला तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, सॉरी इधर देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना 1 बाय एक्स होता है, 1 बाय एक्स। तो आपके पास लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन है, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा लॉग एक्स, लेकिन कंडीशन ये है कि एक्स की पावर 1 होना चाहिए,
अगर 1 बाय एक्स की पावर 2 होगी तो जिसका लॉग एक्स का स्क्वायर नहीं होगा, ऐसा मत करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाओगे, तो अपन ने एक फार्मूला बनाया है 1 बाय एक्स की पावर एन वाला, याद है निगेटिव 1 एन माइनस 1, और बताओ एक्स की पावर क्या है एन माइनस 1, बताओ ये 2 है तो 1 बाय माइनस 1 बाय, तो 2 से 1 कम 1, एक्स की पावर 1 मतलब माइनस 1 बाय एक्स होगा, और माइनस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव 1 बाय एक्स का स्क्वायर होता है गारंटी के साथ में, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा पक्का, ठीक है। तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्स की पावर 1 होना चाहिए तभी लॉग होगा, वो सब पे लागू होगा, अगर 1 बाय एक्स प्लस 1 भी रहेगा ना बेटा, इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग एक्स प्लस 1 ही होगा, ये बात याद रखना है आप लोगों को, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। तो बताओ लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स, तो 1 लॉग एक्स, अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया सेक का नहीं है, है आगे देखेंगे, सेक कोसेक टैन कॉट और लॉग, तो इनके डेरिवेटिव याद रखना, सेक का डेरिवेटिव sec into tan, तो sec into tan का इंटीग्रेशन होगा sec, ठीक है, log का डेरिवेटिव 1 by x, 1 by x का इंटीग्रेशन होगा log x, अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब बात करूंगा एक्सपोनेंशियल की, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x का डेरिवेटिव करते हो तो आंसर क्या आता है, a की पावर x into में log आता है, बराबर, लेकिन अगर a की पावर x का इंटीग्रेशन करते हो तो a की पावर x अपॉन में log आता है, वहां into में log है या अपॉन में log है, और प्लस ही तो रहेगा ही रहेगा e की पावर x का, अगर यहाँ पे आप डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x करते हो तो आंसर e की पावर x ही आता है, तो सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x ही आएगा, और इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो ये वापस आएगा पक्का। अब मैं बात करूँ इनवर्स फंक्शन, तो हमारे पास में इनवर्स फंक्शन कौन से है, ये तो हो गया लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया, ठीक है, इसको अपन सेकंड कैटेगरी में डाल देते हैं, और थर्ड में इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में आप लोगों को पता है इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का याद करो, और आप लोग सेक इनवर्स एक्स का याद करो, और लास्ट में टैन इनवर्स एक्स का याद करो, क्योंकि अगर आपको साइन इनवर्स का पता है मतलब कॉस इनवर्स का पता है, सेक इनवर्स का पता है मतलब कोसेक इनवर्स का पता है, तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, ये 1 बाय एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और यहाँ 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन में रूट नहीं आता, रूट वनली साइन इनवर्स में आता है सेक इनवर्स में आता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, ये x से स्टार्ट होता है, तो x रूट में x स्क्वायर माइनस 1, तो अपने पास इंटीग्रेशन किसका है, तो इंटीग्रेशन अपने पास 1 बाय रूट में 1 माइनस x स्क्वायर का, इसका होगा साइन इनवर्स x होगा, तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं है, याद रखना ये भैया, ये स्टार बता रहा हूँ, ये और उसके पहले स्टार किया हुआ मैंने, ठीक है, तो साइन इनवर्स का नहीं है, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन आपके पास 1 बाय एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्यूब का होगा, इसका क्या होगा बताओ, बोलो सेक इनवर्स एक्स होगा, और इंटीग्रेशन आपके पास 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो टैन इनवर्स एक्स होगा। तो ये आपके जो मैंने फार्मूले बताया अभी तक के, जो फार्मूले बताया आप लोगों को अभी तक के, जो मैंने फार्मूले बताया, हाँ, तो प्लस सी तो लगाना ही लगाना है, साइन इनवर्स प्लस सी, ये प्लस सी, ये प्लस वन, ये थे बेसिक फॉर्मूले आपके इंटीग्रेशन के, जो जिसपे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन 12th क्लास का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इन फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, बहुत आसान, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं रहेगी। और मैं एक रूल बताऊंगा, आपको किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो उसके पीछे एक रूल है, वो रूल बताऊंगा आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तो बेसिक फार्मूले हैं, इसके आगे बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे रूल हैं, इंटीग्रेशन में कम से कम 6-7 एक्सरसाइज हैं, ठीक है, और हर एक्सरसाइज अलग अलग टॉपिक में डिवाइडेड है, आपको पता होना चाहिए कि पहले तो सिंपल इंटीग्रेशन है सिंपल फार्मूले के ऊपर, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के ऊपर 2-3 एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज में तो कोई सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, आपको क्वेश्चन पहचानते आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट वाला है, कौन सा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का है, कौन सा क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों को क्लियर होते जाएगा कि कब सब्स्टिट्यूट करना है, कब पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, कब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है, अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे जिसमें एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है, चलो देखते हैं, चलो स्टार्ट करो।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपको अभी सभी फार्मूले क्लियर हो गए। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं। बेसिक चीजें क्या है कि आपको याद रखना है कि आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, आपको पता है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव कॉस होता है, या कॉस नहीं होता, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, पॉजिटिव कॉस, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस होता है। ये तो क्लियर हो गया। तो सर बोलना साइन एक्स का हमको पता है, मुझे साइन 4x का नहीं पता, कैसे करूँ फिर इसको? ठीक है, आपको साइन एक्स का पता है, आप जिस तरह से डेरिवेटिव में करते हो ना कि साइन एक्स का डेरिवेटिव सर क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। अगर आप साइन डेरिवेटिव आप साइन 4x करते हो तो आंसर क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 4x। और दोबारा फिर आप लोग क्या करते हो, 4x का डिफरेंशिएशन करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना, तो क्या होता है, कॉस 4x होता है और 4 कॉमन निकलता है, x का 1, तो आंसर में 4 कॉस 4x आएगा, 4 * कॉस 4x आएगा। यस आर नो? हां कि ना? हां सर, बिल्कुल, ये रूल हमको पता है कि साइन 4x का कॉस 4x होता है, फिर दोबारा 4x का होता है, तो 4 कॉमन निकलता है, x का 1, तो 4 कॉस 4x ये आपका आंसर होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में भी तो कुछ ऐसा होगा ना, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, साइन 4x का नेगेटिव कॉस 4x होगा, तो अपॉन में ये जो x का जो कोफिशिएंट है यहां आता है और प्लस सी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव नीचे होता है, मतलब आप जब साइन का इंटीग्रेशन कॉस 4x नेगेटिव कॉस 4x करते हो फिर डेरिवेटिव किसका होता है, तो ये जो साइन के बाद का जो फंक्शन है 4x, इसका डेरिवेटिव होता है, मतलब नेगेटिव कॉस 4x और 4x का डेरिवेटिव 4 होगा। तो आज के बाद ये मत याद रखना, आप शॉर्टकट में याद रखना कि भैया अगर साइन 4x आया तो साइन 4x का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस 4x ठीक है, लेकिन x का कोफिशिएंट कौन में आएगा, याद कर लो। जिस तरह से आप log x का डेरिवेटिव करते हो तो कितना होता है बताओ, log x का डेरिवेटिव करते हो तो कितना होता है, 1/x होता है। तो आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, log x होता है, ये तो बात क्लियर होगी। लेकिन अगर मैंने बोला 1/x + 1 का करना है तो क्या इसका भी पावर कुछ नहीं 1 है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, log x प्लस 1 होगा और प्लस सी आएगा। लेकिन मैंने इसको और थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया कि मैंने बोल दिया अगर यहाँ 2x + 1 आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log 2x + 1 और अपॉन में x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2 और प्लस सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन वाला फंडा याद रखना, ये डिफरेंशिएशन वाला फंडा याद रखना। ऐसा जिस तरह से और बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√(1 − x²), ये तो पता है आपको। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं बेटा, इसका इंटीग्रेशन करूं रूट में 1 − x², तो क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स x होगा, क्लियर, कोई दिक्कत, प्लस सी। लेकिन अगर मैं बोलूं ऐसा होगा तो 1 − 4x पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो इसका क्या होगा बेटा, या x है तो साइन इनवर्स x आया, या अगर 4x है तो क्या होगा, साइन इनवर्स 4x और x का कोफिशिएंट 4। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी, ये बातें समझ में आएगी होगी। तो साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, x का कोफिशिएंट अपॉन में 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा का रूल याद रहेगा कि आप लोगों को, ये एक्स्ट्रा की बातें याद रहेगी कि आप लोगों को, अगर इतनी बातें याद है तो आपका एक्सरसाइज एकदम धांसू तरीके से क्लियर होगा आपका एक्सरसाइज, ये तो फिर बहुत तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ देगा। ठीक है, याद रहेगा साइन एक्स है तो नेगेटिव कॉस एक्स, लेकिन साइन 4x है तो नेगेटिव कॉस 4x और x का कोफिशिएंट अपॉन में आएगा। ठीक है, 1/x का क्या होता है, log x होता है, तो 1/x इसका डेरिवेटिव log का, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। 1/x + 1 है तो log x प्लस 1, लेकिन कंडीशन याद रखना उनकी डिग्री जो है उसको एक्सप्रेशन की 1 होना चाहिए। आप ऐसा रहेगा तो ऐसा मत करना, नहीं तो सर ने तो बोले थे x² + 1, ये भैया tan inverse x हो जाएगा, ये याद रखना tan inverse x + c हो जाएगा, 1 + x² 1/1 + x², समझना है क्या, x की पावर ये लीनियर होना चाहिए, लीनियर लीनियर लीनियर, x की डिग्री और पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री बनना चाहिए। इसका log 3x + 1 होगा, x का कोफिशिएंट अपॉन में 2 + c आएगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, नोट के लिए। हाँ लिसन, तो अभी आपका एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 का पहला क्वेश्चन, आपको इंट्रीगेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब आएगा तो यहाँ इंट्रीगेशन का सिंबल कहीं नहीं रहेगा, हमको खुद को इंट्रीगेट करना है। और इंटीग्रेशन के, जैसे कि डिफरेंशिएशन के हर क्वेश्चन को हम लेट y लेते थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन को, नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन के समय y नहीं लेते, एक्सप्लिसिट फंक्शन के समय जब फंक्शन पूरा x का होता है उसको लेट y लेते हैं। सेम यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लेट i लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट i, और जब i करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे।
x का क्यूब x का स्क्वायर प्लस पॉजिटिव x प्लस 1 और इसको ब्रैकेट लगाओगे और dx, क्योंकि ये अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे और आप डायरेक्ट dx लिखोगे इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो ठीक है, पूरे ब्रैकेट को आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पढ़ते कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। आई होप आपको समझ रहा हो। यहाँ नेगेटिव x है, ठीक है, नेगेटिव x है ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना है इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको बड़े प्यार से इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे, तो बड़े प्यार से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है इसको। तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे पावर से एक कम होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस ये आता है, ये तो आपको पता है। तो इसमें प्लस है, इसका भी इंटीग्रेशन होगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको पता है छोटे के एक्स प्लस सी होता है, बराबर है। अगर 5 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 5x प्लस सी होगा। ये बार बार रिविजन करते रहने का। इसमें x की पावर 3 का क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन में 4, पावर में एक ज्यादा अपॉन में एक ज्यादा, ये क्या होगा x का पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में, और ये x का पावर कुछ नहीं 1 है, तो निगेटिव x का पावर 2 अपॉन में 2, और 1 का क्या होगा x होगा। जिस तरह 5 का 5x होता है, 7 का 7x होगा, 1 का क्या होगा 1x होगा, x लिखेंगे उसको। और लास्ट में प्लस सी लिखना, कहाँ लिखना, लास्ट में प्लस सी लिखना। हो गया आपका पहला आंसर, हो गया इतना प्यारा से, एक लाइन दो लाइन में खेल खत्म, काम है। समझ में आया क्या, बहुत ईजी है। अब सेकंड देख लो आपके पास कि एक, आपके पास क्या बोला है कि x का स्क्वायर बोला है और ब्रैकेट में 1 - 2x पूरे का क्या बोल रहा है, होल स्क्वायर बोल रहा है। अब इसको कैसे बनाओगे, तो सोल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे पहले लेट आई लिखोगे, आपको तो पता है लेट आई लिखना है। तो x का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 2x पूरे का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx लिखोगे, ठीक है। अब बताओ आपका रूल ऐसा है कि आप इसका भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। रूल ऐसा है कि बीच में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए सेम फंक्शन के बीच में। अगर आप लोग ऐसा रहेगा, आप लोगों के पास ऐसा रहेगा भैया, ऐसा रहेगा x का स्क्वायर x प्लस 1 करो रे इंटीग्रेशन, तो आप लोग क्या करोगे, x का भी ऐसा करोगे इंटीग्रेशन, x का पावर 3 अपॉन में 3 ब्रैकेट में x का स्क्वायर अपॉन में 2 और 1 का x प्लस 1। हाँ, हो गया रॉन्ग, हो गया। पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, बीच में प्रोडक्ट की टर्म नहीं होना चाहिए, ये भी अरिथमेटिक, प्रोडक्ट की टर्म नहीं होना चाहिए। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे सबसे पहले तो ये x का क्यूब होगा, ये x स्क्वायर इनटू 1 x का स्क्वायर होगा, और तब जाके फिर दोनों का इंटीग्रेशन होगा। तो हर टर्म का इंटीग्रेशन कब होगा, जब बीच में क्या रहेगी प्लस माइनस की टर्म होना चाहिए। इसका क्या होगा, x का पावर 4 अपॉन में 4 होगा, x का 3 अपॉन में 3 होगा और प्लस सी लिखेंगे। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पे होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी का स्क्वायर। अगर माइनस का होल स्क्वायर रहेगा बेटा तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी बी का स्क्वायर। आई होप आपको समझ रहा होगा, a का स्क्वायर नेगेटिव ट्वाइस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर होगा, या नेगेटिव वाला है, कौन सा वाला है, नेगेटिव वाला है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, इंटीग्रेशन x का स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, नेगेटिव ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए बी बोलो तो 1 × 2 × x, तो 2/x होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। कैसे डिटेल में लिखूं कि 1 का स्क्वायर नेगेटिव ट्वाइस 1 × 2/x और प्लस 2/x का क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ रहा होगा। dx को मत भूल जाना, एक एक स्टेप बराबर जबरदस्त तरीके से, एकदम धांसु तरीके से लिखना बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो 1 का स्क्वायर 1, 2 × 4/x होगा बेटा, और ये 2 का स्क्वायर 4 और x का भी स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। अब x स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या होगा, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से, x स्क्वायर इंटू 1 x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर होगा ये, और अपॉन में x होगा, और प्लस 4x का स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, x स्क्वायर होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर मर गया, एक से एक एक्स मर गया, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर 4x बचेगा, यहाँ पे एक एक्स बचेगा प्लस 4 और dx। अब जाके इंटीग्रेशन करोगे, मतलब मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई किया, मतलब इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो लगा दिया, कैलकुलेशन हो रहा है तो कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 × 4/x, 2 का स्क्वायर 4, x का भी स्क्वायर होगा, फिर x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो x स्क्वायर किसको गया, बोलो 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 बोलो
एक्स स्क्वायर किसको गया, वन को भी गया, एक्स स्क्वायर किसको गया, फोर को भी गया, एक्स स्क्वायर इस पॉजिटिव फोर को भी चला गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एक्स का क्यूब अपॉन में थ्री, एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री होगी, नेगेटिव फोर एक्स की पावर टू अपॉन में टू होगी, और ये फोर एक्स होगा और प्लस दिया है क्योंकि हर टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया। तो आपको पता है ना इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, थ्री अपॉन में थ्री, इसका पावर कुछ देना वन, टू अपॉन में टू, ये फोर एक्स, फोर कॉन्स्टेंट है कॉमन निकल गया। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये बहुत सिंपल था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन ईजी था। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो ये देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, थ्री sec स्क्वायर x माइनस फोर वाई, यहाँ कौन से फॉर्मूले लगेंगे, तो आपको पता है sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan, सॉरी sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो tan का डेरिवेटिव आपको पता है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा tan x, तो sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है tan, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो tan x आएगा। अब आपको पता है 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 1 बाय एक्स की पावर एन वाला, जो मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, माइनस वन एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सर नो हाँ की ना। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन करना है तो भैया ये सिंगल टर्म होना चाहिए, आप लोगों को एक्स का पावर फोर पता है, एक्स का पावर हजार पता है, एक्स का पावर कुछ भी रहे 1 बाय एक्स की पावर वो पता है, लेकिन 1 बाय आप लोगों के पास एक्स रूट एक्स का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, ये इसको सिंगल में ब्रेक करो पहले, तो सिंगल में कैसे करोगे, ये x का पावर 1 है और x का पावर 1 बाय 2 है, रूट का मतलब पावर में 1 बाय 2 होता है, तो बेस कैसा है सेम है, एक बार लिखोगे इन दोनों का एडिशन करोगे तो कितना होगा, x की पावर 2 1 2 2 और 1 3 बाय 2, आई होप आपको समझ रहा होगा। तो अपने पास क्या दिया है, इसको तो सबसे पहले लेट i लिखेंगे, लेट i इक्वल टू क्या दिया है, 3 ब्रैकेट में लिखोगे sec स्क्वायर x माइनस 4 बाय x प्लस 1 बाय x रूट x और माइनस 7 और dx, तो आप लोगों के पास इसका भी डिफरेंशिएशन है, इसका भी इंटीग्रेशन आपको पता है, ओके इसका भी इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, इसका भी इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है, इसका भी पता है, लेकिन इसको सिंगल में ब्रेक करना पड़ेगा, पहले काय में ब्रेक करना पड़ेगा, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसको लिखोगे, अभी इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 * 1 / x लिख सकते हो इसको, या 4 / x भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता, और इसका मतलब क्या होता है, x का पावर 1 और x का पावर 1 बाय 2, तो क्या होगा बेस सेम, पावर में 1 प्लस 1 बाय 2, आई होप आपको समझा होगा, सर ने इसको कैसे लिखो समझाना, या फिर ऐसा लिखो x और x की पावर 1 बाय 2 लिखो इसको, ठीक है, और एक बार अच्छे से लिख दो, 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 बाय x प्लस ये क्या होगा 2 1 जा 2 2 और 1 x का पावर 3 बाय 2, ये 3 बाय 2 कैसे समझा मैं, इसका पावर 1 तो 1 और आधा डेढ़, और डेढ़ का मतलब 3 के आधे, ठीक है यार, 2 1 2 2 और 1 3, अगर आपके पास ऐसा रहेगा x की पावर 7 बाय 2 रहेगा और यहाँ पे x रहेगा तो क्या होगा, x की पावर 2 रहेगा तो क्या होगा, x की पावर 2 2 जा 4 4 और 7 11 बाय 2 होगा, ये आप लोगों को निकालते आना चाहिए बराबर, ठीक है, और माइनस 7, और आप अब इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसमें इसका भी इंटीग्रेशन पता है, अगर टर्म्स प्लस या माइनस से कनेक्टेड है तो सबका इंटीग्रेशन, तो शॉर्टकट मारना करना, अगर कांस्टेंट अकेला रहा तो, अकेला रहा तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको पता है 3x होगा प्लस सी होगा, लेकिन अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में है तो वो कॉमन निकल जाएगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x होगा, 4 कांस्टेंट का कॉमन निकल गया, 1 बाय एक्स का आपको पता है निगेटिव 1 बाय एक्स का पावर 2 या सॉरी निगेटिव 1 आपको पता है 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन ऐसा करने वाले तो वो नहीं होगा log x होगा, आपको बताया था कि 1 बाय एक्स है इसका इंटीग्रेशन अगर आपको करना है इसका क्या होता है log x होता है, वो 1 बाय एक्स की पावर n वाला फार्मूला किसमें लगाना, जब x की पावर 2 रहेगा, x का पावर 4 रहेगा, 1 बाय एक्स का पावर 5 रहेगा तब लगाना वो फार्मूला, लेकिन इसके समय 1 बाय एक्स है तो 1 बाय एक्स का क्या होता है log x होता है, 4 कॉमन 1 बाय एक्स बचा 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा log x होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इसका क्या होगा बेटा, हाँ इसमें लगेगा वो फार्मूला 1 बाय एक्स की पावर एन वाला, क्या फार्मूला लगा इंटीग्रेशन में माइनस 1 एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, ये साथ लो तो लगा लो इसमें माइनस 1 अपॉन में 3 बाय 2 माइनस 1 और एक्स की पावर 3 बाय 2 माइनस 1, आई होप आपको समझा होगा, और 7 का क्या होगा 7 एक्स प्लस 3 हो गया इंटीग्रेशन का काम तमाम, अब बस इसमें कैलकुलेशन करना बाकी है, तो आपका आंसर क्या होगा 3 tan x 4 log x और इसका क्या होगा प्लस माइनस माइनस 1 बाय 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 1 बाय 2
और x की पावर 1/2 माइनस 7x प्लस 3। आपका फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, 3 tan x माइनस 4 log x, ये 2 पर कूद जाएगा -2। अरे 1/2 है तो 2 पर चला जाएगा ना, और x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √x और माइनस 7x और प्लस 3, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार रिपीट कर दूँ, इसका तो पता है, इसका log x होगा, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो x की पावर 1 है, ये x की पावर 1 है, x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा, फिर आप सभी का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। हाँ, तो ये आप लोगों को ट्राई करना है, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, ये तो ठीक है, आसानी से बना लोगे ये लोग, आप लोग तो आसानी से बना लोगे। ये भी सिंपल है, 1/x का log x होगा, इसमें 1/x की पावर n वाला फार्मूला लगाओगे, ये इसको सेपरेट करोगे, बन जाएगा, लेकिन ये आपको तकलीफ देगा, तो ये मैं कल के वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर, बाय।